नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स और मैं हूं संगीता सिंह। देश में संसद से लेकर सड़क तक एनआरसी का मुद्दा छाया हुआ है। वो भी क्यों ना, आखिरकार सवाल 40 लाख से ज्यादा लोगों की पहचान और नागरिकता से जुड़ा हुआ है, जिन पर देश से बाहर निकाले जाने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में जानते हैं एनआरसी एक्ट का इतिहास क्या है और आखिरकार क्यों इसे देश में लाने की जरूरत पड़ी। की आजादी और बंटवारे के बाद लोगों ने बड़ी संख्या में धार्मिक आधार पर भारत पाकिस्तान में रहने का फैसला किया। इस दौरान असम में आबादी बढ़ने की दर बाकी देश के मुकाबले काफी ज्यादा थी। देश के बाकी हिस्सों में जहां 26% आबादी बढ़ी, वहीं असम में यह आंकड़ा 35 से 36% तक पहुंच गया। 1971 के बांग्लादेश विभाजन की लड़ाई से पहले बांग्लादेश से आए करीब 10 लाख लोग भारत में ही रुक गए, जिनमें से कई ने वोटर लिस्ट में अपना नाम भी जुड़वा लिया। 1978 के उपचुनावों में सामने आया कि असम में करीब 50,000 वोटरों की संख्या बढ़ी है। स्थानीय लोगों ने इस पर एक्शन लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाया, लेकिन सरकार ने इन सभी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद असम में असम गण परिषद, ऑल असम स्टूडेंट परिषद जैसे ग्रुप बने जो बाहर के लोगों को वापस भेजने के लिए मांग कर रहे थे। इस मांग को लेकर कई प्रदर्शन हुए, हिंसा हुई, दंगे हुए, कई लोग मारे भी गए। ऐसे में साल 1983 में इंदिरा गांधी सरकार IMDT एक्ट लेकर आई, लेकिन पेचीदा होने की वजह से ये एक्ट चला नहीं। फिर देश में आई राजीव गांधी सरकार, जिसने 15 अगस्त 1985 को प्रदर्शनकारियों के साथ एक समझौता किया। असम अकॉर्ड समझौते में वादा किया गया जो लोग 1991 से 1961 के बीच असम में आए उन्हें पूरी नागरिकता मिलेगी, जो लोग 1961 से 1971 के बीच आए उन्हें नागरिकता तो दी जाएगी लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होगा। वहीं 1971 के बाद आए लोगों को देश से बाहर भेज दिया जाएगा। इस समझौते के बाद असम में शांति बहाल हुई, असम गण परिषद सत्ता में आई। इस बीच सत्ता कई बार बदली। फिर आया साल 2005, जब सुप्रीम कोर्ट ने आंसू नेता सर्वानंद सोनोवाल की याचिका पर असम अकॉर्ड खारिज कर दिया। सोनोवाल अब असम के मुख्यमंत्री हैं। साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट में फिर एक पिटीशन दाखिल हुई, जिसके बाद कोर्ट ने असम में गैरकानूनी तरीके से रह रहे लोगों की पहचान करने के लिए एक रजिस्टर बनाने का आदेश दिया, जिसे ही NRC कहा गया। 2015 से NRC का काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में शुरू हुआ, जिसकी पहली लिस्ट में 1,90,00,000 लोगों के नाम थे और अब दूसरी लिस्ट में 2,89,00,000 लोगों के नाम आए हैं और अब 40 लाख लोगों को अवैध करार दे दिया गया है। इन अवैध लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए 2 महीने का वक्त और दिया गया है। सरकार एहतियात बरत रही है, जो जरूरी भी है, क्योंकि देश में असंतोष बढ़ सकता है, हालात बेकाबू होने के आसार भी हैं। रोहिंग्या जैसा संकट देश के सामने है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इतनी बड़ी तादाद में कोई भी देश शरणार्थियों को लेने के लिए राजी नहीं होगा। वहीं बांग्लादेश भी इस पर अपनी मंशा साफ कर चुका है।